बच्चों और बच्चों के वालदैन को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बच्चों को आप क्या तोहफा दे सकते हैं वो बेहतरीन असेसमेंट है। बच्चों की असेसमेंट क्यों जरूरी है, आइए हम पूछते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जवेरिया फारूक से। जी जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी चिल्ड्रंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरीवन। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजिकल हवाले से हम असेसमेंट क्यों ज़रूरी होती है, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स सम प्लेटफॉर्म, सम वर्क। ठीक है, पेपर वर्क ज़रूरी होता है कि आपको, हमारी अजम्पशंस तो बहुत सारी होती हैं कि हमारा बच्चा ये कर लेता है, ये नहीं कर सकता, वो कर लेता है, बट जब हम करवाने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो तो ये चीज़ अब अचीव ही नहीं कर सकता। तो इट्स बेटर कि हम कोई चीज़ में इतना टाइम वेस्ट करें उसको अप्रीहेंड करने में, तो इससे बेहतर है कि हम एक प्रॉपर असेसमेंट कराएं। असेसमेंट सिर्फ उसकी एकेडमिक में हेल्प नहीं करेगी, उसकी इमोशनल, फिज़िकल, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीज़ की उसको हेल्प आउट करेगी। कहीं पे हमारा बच्चा सोशलाइजिंग तो अच्छी कर लेते हैं मगर कम्युनिकेशन में उनका फ्लॉ आ जाता है, वो कहना कुछ चाहते हैं और कहते कुछ हैं, हम समझाना कुछ चाहते हैं और वो समझ नहीं पाते उस तरह से। तो सिर्फ बच्चा अपने आप को समझेगा असेसमेंट से, बहुत सारे हमारे प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं, मेरिट्स ऐसे हैं कि हम बच्चे को ना समझें, बच्चा अपने आप को भी समझता है उसकी कैरियर के लिए, लाइफ लॉन्ग सक्सेस के लिए, और हर एज के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट में कौन सी नीड्स फुलफ़िल होनी चाहिए और कौन सी उसके एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है। फिजिकल और मेंटल एज, जिस्मानी और जहनी उम्र मुख्तलिफ हो सकती है। आप भी जानिए कि आपके बच्चे की उम्र का गैप उसके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, रिलेशनल, सोशल में कहीं गैप तो नहीं ला रहा। जानना ये चाहते हैं कि उनका पोटेंशियल क्या है, जानना चाहते हैं कि उसका लर्निंग मैकेनिज्म क्या है, जानना चाहते हैं कि वो मुस्तकबिल के अंदर कौन से शोबे में ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जी हाँ, आप ये सारी तफसीलात अपने 2 साल के बच्चे के बारे में भी मालूम हासिल कर सकते हैं। चिल्ड्रंस डे के ऊपर इस खूबसूरत क्रिएचर को ये तोहफा दीजिए कि आप उसको ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट बताइए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।